भी गाड़ी ले तुम पेट्रोल का तुम्हारे को फिटिंग करके पासिंग करके गारंटी के साथ मिज्जो कंपनी का मिलेगा। अच्छा मर्सिडीज वगैरह ले तो तुम कौन से मल्टीस ले को बीएमडब्ल्यू ले को कौन से ले को तुम्हारे मॉडल मॉडल कौन से मॉडल पे आप सीएनजी किट बिठा कर देते हो? इसको कम से कम 28 से 30 एवरेज मिलता है। 28 से 30 एवरेज मिलता है। पेट्रोल पे कितना मिलता था? पेट्रोल पर इसको 18 एवरेज है। पेट्रोल पे 18, मतलब अभी सीएनजी बिठाने के बाद 28 से 30 किलोमीटर का 100% गाड़ी चलेगा। अपन 3,500 रुपए बता रहे हैं फिटिंग करके, एक साल का रिचार्ज करके 3,500 रुपए तुम्हारे गारंटी के साथ फिटिंग करके मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम नवी पठान। आज अपने भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। और 2024 में आज अपने भाइयों को लेके आ गया हूँ मोहसिन भाई के पास, एमके अप्सरा गैरेज में लेके आया हूँ। चलते पूरा आज कौन सी कंपनी के गाड़ी में आज सीएनजी किट बिठा रही है 2024 में, वीडियो को शुरू करते हैं और सर से भी मुलाकात लेते हैं। हेलो सर, कैसे हो? बस दुआ है पठान साहब। सब मैं पहले बस बोलता था पठान के थ्रू से डेली गाड़िया फिटिंग चले बहुत से लंबा लंबा से हर गाँव से हमको फोन आते हैं गाड़िया फिटिंग करके। कहाँ कहाँ से फोन आते हैं आपको? पुणे से फोन आता, बम्बई से आता, बीजापुर से फोन आता, गुलबर्गा से फोन आ रहे। अच्छा, बहुत लंबा लंबा से फिटिंग है, तुर्जापुर से फोन आ रहे। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें महाराष्ट्र के भी फोन आ रहे और कर्नाटक के भी फोन आ रहे। महाराष्ट्र के कर्नाटक के भी फोन आ रहे और गाड़िया फिटिंग भी हो रहे। नए साल में और नई गाड़ी कौन सी फिटिंग कर रहे हो सीएनजी किट? नए साल में आप देख रहे एक्सेल 6 फिटिंग चल रहा है 2024 का है। ये मारुति का एक्सेल 6 है ना? एक्सेल 6 है। अच्छा सर, अभी इसमें कौन सी कंपनी का फिटिंग करा रहे हैं? दिखाता हूँ, मिज्जो कंपनी का BS6 का बॉक्स का फिटिंग चला है। BS6 मिज्जो का। अच्छा हाँ, ये देखिए ACM। अच्छा अच्छा अच्छा, BS6 मिज्जो का ACM फिटिंग चला है। तो दोस्तों देख सकते हो मिज्जो कंपनी का BS6 वाला ही है, नहीं आपको BS4 वाला बिठाएंगे। BS6 बोले तो BS6 की बिठा के देंगे आपको। आप देख सकते हैं रिड्यूसर में BS6 का फिटिंग चला है मिज्जो कंपनी का। हमने तो हो गया, पिक्चर दिखा सकता हूँ, तुम्हारा दिखा सकता है पिक्चर। अब देख सकते हैं एक्सेल 6 से फिटिंग चले, ये सीएनजी पेट्रोल कैप पे जाके फिटिंग चले मिज्जो कंपनी का। अच्छा, मतलब ये पूरा प्रॉपरली कंपनी की कंपनी की सरकार पूरा काम होता है, आप देख सकते हैं इधर। अच्छा सर, अभी पीछे कौन सा, मतलब कितने लीटर का टाकी बिठा रहे, कितने किलो का टाकी आता है? आप देख सकते हैं 16 किलो का टाकी बिठा रहे सर इसको। 16 किलो का? 16 किलो का एक्सेल 6 का 16 किलो का फिटिंग चला है। अच्छा, और इसमें गैस वगैरह कितना बैठ जाता है? गैस 12 किलो गैस बैठेगा इसमें। 12 किलो गैस? 12 किलो गैस। अच्छा, ये पैक करने के बाद कितना किलोमीटर चलता है? इसको कम से कम 28 से 30 एवरेज मिलता है। 28 से 30 एवरेज मिलता है। पेट्रोल पे कितना मिलता था? पेट्रोल पर इसको 18 एवरेज है। पेट्रोल पे 18? मतलब अभी सीएनजी बिठाने के बाद 28 से 30 किलोमीटर का 100% गाड़ी चलेगा आपका। अरे वाह वाह वाह, मतलब 1 किलो में 28 से 30 किलोमीटर चलता है। तो सर अभी ये तो टाके आप बिठा रहे हो, और ये वाला क्या चीज है, मतलब आप जो बिठा रहे हो? आप देख सकते हो ये पेट्रोल की कैप में तो होल मार के बिठाए हुए। अच्छा, इसका ब्रैकेट है, ये है टाकी फिटिंग। अच्छा अच्छा, अभी आगे का काम होया, पीछे का काम चलो, एक घंटे में टाकी में फिटिंग होता पूरा अपना। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो ये मतलब गैस सिलेंडर है और यहाँ पर ब्रैकेट बना है, मतलब इससे ना आपको लगेज वगैरह रखने के लिए ना कोई दिक्कत आने वाली नहीं आती। इसके ऊपर लगेज वगैरह कुछ भी रह सकते हैं। अच्छा, ये एकदम प्रॉपरली काम हो रहा है, देख सकते हो आप एकदम प्रॉपरली काम हो रहा है। तो ये तो होगा पीछे का। अभी चलते हैं सर, अभी इसमें जो फ्यूल इंडिकेटर जो रहता है वो बता सकते हो? हाँ, दिखा सकते। अभी इसका वायरिंग का काम अब भी वेला है, अभी इसको फिटिंग कर सकते हैं। इधर ये बटन है। अच्छा, ये बटन इधर अपना है बटी का। अच्छा अच्छा, मतलब ये बटनों में यहाँ पर बटन बैठे इधर जितना सीएनजी उतना दिखेगा, और पेट्रोल पर दबाए तो एक बार पेट्रोल पर दबाएंगे, एक बार दबाए तो सीएनजी पर देंगे। अच्छा अच्छा, मिज्जो कंपनी का है, इसका गारंटी वारंटी कुछ रहता है? पठान साहब, इसका ऐसा गारंटी है, अपने सर गारंटी कोई भी नहीं देगा। हाँ। एक साल का तुमको फुल गारंटी मिलेगा। अच्छा, 30,000 किलोमीटर ना तो एक साल। अच्छा, एक साल के 30,000 अंदर किलोमीटर अगर तुम्हारे कुछ भी होगा तुम्हारे जगह पर चेंज करके मिलेगा। मतलब उसको रिपेयर वगैरह नहीं करेगा? रिपेयर नहीं करते, डायरेक्ट चेंज करके मिलेगा तुम्हारे। अच्छा, मतलब पूरा नया तो नया, कौन सा भी क्या भी पार्ट्स बनते, या तो इंजेक्टर खराब होने, या तो रिड्यूसर खराब होने, या तो ACM खराब होने, या तो वायरिंग कुछ भी रहेगा खराब है, जो सामान तुम्हारे पार्ट टू पार्ट गारंटी के साथ जगह पर चेंज करके मिलेगा। अच्छा सर, अभी इसके अलावा और क्या फिटिंग कर रहे हो आप? अभी देखो आगे का तो पूरा काम मिला है, इतना बटन का वन करेंगे और टैकेट करने के बाद पूरा काम होता है। अच्छा, ये कितने घंटे में, मतलब 3 घंटे में पूरा गाड़ी रेडी हो गया था पठान साहब। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कुछ आप फिटिंग कराते हो, मतलब GPS वगैरह? GPS फिटिंग चल रहा है इसको, ये गाड़ी को भी। अच्छा, आप तुम्हारे GPS भी दिखा सकता हूँ सर। आप जो GPS बिठा रहे हो वो बता सकते हो, मतलब किस तरह का है? और आप देख सकते हैं GPS पठान साहब। अच्छा, इसके अंदर ये सिम भरता है। अच्छा, एयरटेल का तुमको सेम मिलेगा, ये देख सकते हो एयरटेल का। अच्छा, GPS बिठाने के बाद तुम्हारे को एक साल का हमारे तरफ से फ्री रिचार्ज करके मिलेगा। एक साल का? एक साल के लिए फ्री रिचार्ज करके मिलेगा। अच्छा, अभी एक्सेल 6 में 2024 की गाड़ी में बिठा रहे,
कैसा होता पठान साहब, कौन भी आपके दोस्त लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं बोलते नहीं, गाड़ी किधर है तुमको मालूम पड़ती नहीं। अच्छा। ये जीपीआरएस ऐसा है कि गाड़ी तुम्हारी कहा भी रहेंगे तो मोबाइल सी जगह पर गाड़ी बंद भी कर सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, समझो कौन तुम्हारे दोस्त लोग मंगने गाड़ी नहीं देने का रहा। अच्छा। तो मोबाइल सी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद कर सकते हैं, चालू भी नहीं हो सकता तुम्हारी गाड़ी। तुम्हारे मोबाइल में डाउनलोड करके ऐप डाल के देते है, तुम्हारा गाड़ी जितना रहेंगे कितने किलोमीटर यहाँ से कहा भी रहेंगे तुम्हारे पूरा मोबाइल के ऊपर, तुम्हारे कौन से रोड पर है ये भी दिखाने वाला आपको। अच्छा, ये बड़ी अच्छी काम की चीज है और ये बैठाना भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ना सबको मालूम नहीं रहता है। तो मोहसिन भाई ये बिटा के दे रहे हैं, तो एयरटेल का एक साल का आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा। और ये सर इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? अभी अपन 3,500 रुपए बता रहे हैं। अच्छा। सब फिटिंग करके एक साल का रिचार्ज करके 3,500 रुपए तुम्हारे को गारंटी के साथ फिटिंग करके मिलेगा। अच्छा, तो नवी पठान से कोई आ रहा है जीपीएस बिटाना चाहता है और किट भी बिटाना चाहता है, तो उसको क्या डिस्काउंट दोगे? जितने भी कस्टमर आ रहे हैं फिलहाल तो नवी पठान तरफ से जा रहे हैं, सबको डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा। अगर जीपीआरएस में कौन बोलेंगे हम नवी पठान की तरफ चले, एक साल का रिचार्ज करके 3,000 रुपए में तुम्हारे को फिटिंग करके चालू करके मिलेगा। तो सर अभी ये तो हो गया जीपीएस वगैरह, अभी मान लो अगर किसी को अगर कोई पार्ट खराब होता है, एसएम खराब होता है, या किट मतलब उसका जो वॉल किट बिठाना होता है, और छोटा स्पेयर पार्ट अगर लेना है तो आपके पास अवेलेबल मिल जाता है? तुम कौन सा भी सामान मांगो, छुट्टा सामान तुम्हारे पूरा छुट्टा सामान मिलेगा। अच्छा। तो रेडियो सर रन दे, उसका बटन रन दे, वायरिंग रन दे, इन्वर्टर रन दे। अच्छा। सीएनजी के टैंकी भी रन दे, अगर तुम्हारे को जिसको जरूरत है वो आके हमारे पास ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हर पार्ट अपने पास मिल जाता है? मिल जाता है। सिर्फ मिज्जो कंपनी का मिलेगा और अलग कंपनी का? हम मिज्जो के सिवा दूसरा कौन सी कंपनी का काम नहीं करते, खाली ओनली वन मिज्जो। अच्छा, मतलब मिज्जो का ही बिठा कर देंगे? मिज्जो का ही। अभी कुछ क्या होता है मार्केट में सर, मान लो अगर BS6 का अगर गाड़ी रहेगा तो BS4 का मिज्जो का कंपनी का बिठा डालते है, तो उससे कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम होता है? गाड़ी का प्रॉब्लम होता है BS6 गाड़ी का, अगर BS4 का तुम बॉक्स लगेंगे उसका ऑरेंज भी नहीं है तुम्हारे को पठान साहब, और गाड़ी झटके मारती है। अच्छा। आगे एक साल तो अच्छे चलता है, एक साल चलने पर उसके प्रॉब्लम चालू होते हैं। अच्छा, बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि बिठाते दूसरे पास, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा बोल के हमारे पास आते हैं। अच्छा। अरे हम दूसरे पास बिठाए, ऐसा सवाल हमको मालूम नहीं है, तुम पहले नहीं मिले बोल के। इसलिए हम क्या करते सर, पठान के थ्रो वाले गाड़ी जितने भी रहते हैं BS6 को BS6 का बॉक्स लगाते, BS4 को BS4 का बॉक्स लगाते। अच्छा अच्छा, ऐसा हेरा फेरी करके कौन सा भी सामान पैसे कमाने लिए हो सकता, हम कोई सा भी गलत काम नहीं करते। तो मतलब यहाँ पर मोहसिन भाई के पास पूरा प्रॉपरली काम होता है, पूरा ट्रस्ट काम होता है? हाँ, गारंटी के साथ। अच्छा, BS4 का NRC का फिटिंग और पासिंग करके 45,000 रुपए में मिलेंगे आपको। अच्छा, BS6 का? BS6 का तुम्हारे फाइनल 55,000 रुपए में मिलेगा। अच्छा। बिठा के उसका पासिंग का रेट अलग। अच्छा, तो उसको क्या डॉक्यूमेंट लगता है? उसको तुम्हारा ओरिजिनल RC बुक लगता है। अच्छा। और इंश्योरेंस का जेरॉक्स। अच्छा। लगता अभी बिठाने के बाद तुम्हारे को 8-10 दिन में पासिंग करके मिलेंगे हमारे पास। 8-10 दिन में या तो BS4 रन दे या तो BS6 रन दे। अच्छा। अपन जो जबान दे वो जबान पर पासिंग करके कस्टमर पास ही मिलते है। अच्छा। बहुत से कस्टमर आगे तो किसके भी बाहर के वाले के गाड़िया पासिंग किसके भी नहीं चले, हमको। अच्छा। तुम्हारे को गारंटी के साथ पासिंग करके मिलेगा। अच्छा, ये पासिंग होने के बाद इसका कितना मतलब ये रहता? इसका कस्टमर था पठान साहब, तुम पासिंग करने के बाद हर 3 साल को टाकी टेस्टिंग रहता। अच्छा। वो तुम्हारे को 3-4 घंटे में टाकी टेस्टिंग करके प्लेट दूसरा मिले बिठा के मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो हो गया दोस्तों। आप ये देख सकते हो, ये मारुति का XL6 प्रीमियम गाड़ी है, ये 2024 का गाड़ी है और 24 में और मिज्जो कंपनी का BS6 का किट बिठा रहे हैं मोहसिन भाई। सर ये क्या चीज है मिज्जो कंपनी का? आप देख सकते हैं हाइट बढ़ाने के लवर है, जब टाकी जब अपना CNG का टाकी रहने से गाड़ी नीचे झुकता है, नीचे नहीं झुकने के लिए मार नहीं लगना, स्पीड ब्रेक पर बोल के हाइट लवर बोलते इसको। तो सर अभी इसका प्राइस क्या होने वाला है? ये तुम्हारे को पूरा हमारे तरफ से फिटिंग करके मिलेगा 3,000 रुपए में। ये 3,000 रुपए में बिठा कर बिठा के मिलेगा। ऊंचा भी गाड़ी ले तुम पेट्रोल का, तुम्हारे को फिटिंग करके पासिंग करके गारंटी के साथ मिज्जो कंपनी का मिलेगा। अच्छा, मर्सिडीज वगैरह ले तो तुम कौन से मल्टीस ले, BMW ले, कौन से ले तुम्हारे मॉडल, कौन से मॉडल पे आप CNG किट बिठा कर देते हो? जो तुम्हारा गाड़ी रहेगा वो मॉडल देखो, सामने तुम्हारा मान लो अगर हमारे 2002 का गाड़ी है, 1998 का गाड़ी है, 2024 का गाड़ी है, कौन सा गाड़ी के में आप फिटिंग करा कर देते हो? उसमें तुम्हारे 2002 का भी मिलेगा, 2005 का मिलेगा, 2020 का मिलेगा, और तुम्हारे 2024 की गाड़ी रहेंगे उसको भी तुम्हारे बॉक्स मिलेगा, मिज्जो का BS6, BS4, BS3, BS2 सब मिलेगा तुम्हारे को। अच्छा, मतलब बिठा कर दोगे? बिठा के चालू करके गारंटी के साथ मिलेगा। अच्छा, गारंटी वारंटी क्या रहेगी? एक साल की गारंटी रहेगी और 30,000 किलोमीटर का, एक साल के अंदर तुम्हारे कुछ भी हुआ रहेगा मिज्जो कंपनी के तरफ से जगह तुम्हारे को सामान चेंज करके मिलेगा। अच्छा, उसको रिपेयर वगैरह नहीं करोगे? रिपेयर नहीं करते, हम डायरेक्ट चेंज करके तुमको नया डाल के देते हैं। अच्छा, पक्का दे दोगे? 100%। अभी सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, आना कहाँ पर पड़ेगा? शोलापुर अकलगढ़ रोड लक्ष्मी मंदिर के सामने गैरेज है, MK अप्सरा गैरेज। अच्छा, तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए।
स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो आप 73 85 80 75। तो इस पे कॉन्टेक्ट करके आप यहाँ पर मोहसिन भाई के पास विजिट कर सकते हो। और सर मान लो अगर कहीं से भी दूर से भी आ रहा होगा तो अपने को अगर गाड़ी फिटिंग करना है सीएनजी तो उसको मतलब बुकिंग वगैरह करना पड़ेगा? पटवारी साहब कैसा है, कंटिन्यू हमारे पास गाड़ियाँ फिटिंग रहते हैं। अच्छा। जिसका एक दिन पहला बुकिंग हुआ उसका गाड़ी फिटिंग लेते हैं, अगर बुकिंग नहीं हुआ तो उसका गाड़ी पासिंग फिटिंग करके नहीं लेते हैं। अच्छा सर, मॉर्निंग में कब स्टार्ट होता है अपना मतलब शॉप? 10 बजे। 10 से लेके 9 बजे तक। अच्छा, तो ये टाइम पर विजिट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर भी चल रहा है, कॉन्टेक्ट कर यहाँ पर विजिट भी कर सकते हो। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने लगे, थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसी वीडियो आती रहती है नेवी प्लान चैनल पे। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।